अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू ही आगे संस्था के पदाधिकारी ने शनिवार को नालबंद चौराहे पर स्थित प्रजापति मंदिर में राम मंदिर के लिए महाआरती का आयोजन किया। बजरंग दल के पदाधिकारी गोविंद पाराशर ने कार्यक्रम में कहा कि जब तक सड़क पर नमाज बंद नहीं होगी तब तक सड़क पर ही महाआरती होगी। साथ ही बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ने इलाकाई पुलिस को भी खुले मंच से चेतावनी दी और साफ तौर पर खुले मंच से कहा कि अब ना हिंदू पीटेगा न लूटेगा बल्कि अब हिंदू पीटेगा और अगर किसी भी थानेदार ने अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को टच करने की कोशिश की तो सभी थानों को का घेराव कर लिया जाएगा। ऐलान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भी राम मंदिर बनाने की चेतावनी दी है। अब ना हिंदू पिटेगा ना हिंदू लुटेगा और ना ही हिंदू जाति में बचेगा। अब हम सब हिंदू एक ही संकल्प के साथ में आगरा की धरती पर 2019 में अगर किसी भी पार्टी को जीतना है तो हिंदू का एजेंडा अपनाना होगा और अगर भाजपा को जीतना है तो हमारे साथ चलना होगा, राम मंदिर बनाना होगा, धारा 370 हटानी होगी, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में भसाना होगा और ये तीन तलाक की बात मत करो, ये तो तुम जो है का नमूना छोड़ रहे हो। अगर लाना है तो समान नागरिक कानून लाओ जो हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास, ये 100 करोड़ हिंदू तुम्हें मुख्य प्रधानमंत्री बनाकर भेजा था, ये 300 जो मत लेके आए हो जो आजकल वोटिंग हुई है ये हिंदुओं के बल पर लेके आए हो, संकल्प कराइए जो हिंदू की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। उद्देश्य ये है जब तक रोड पर नमाज बंद नहीं हो जाएगी जब तक हमारी आरती होती रहेगी, जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाएगा जब तक हमारी आरती चलती रहेगी, अगली आरती मंटोला बाम में होगी। तो आपको बता दें बजरंग दल ने पुलिस केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अब ना हिंदू पिटेगा ना लुटेगा बल्कि अब हिंदू पीटेगा, ऐसा कहना है बजरंग दल का। सड़क पर आरती कर रहे हैं लगातार।